हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले मैंने आपको एक तो लाइव क्लास में एक ट्रिक बताई थी, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ट्रिक, इसमें मैंने बताए थे। तो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी जो भी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मेरी चारों वीडियो जो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ उसे ज़रूर देखें, और साथ ही साथ जो ये ट्रिक बताई है इसको ज़रूर पढ़ें, तो आपको ये ईजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक एक करके सारे क्वेश्चन जो मैंने 50 एमसीक्यूज बनाए हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे, प्रेरणिक प्रभाव पे, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो मैं शुरुआत में दे रही हूँ ये थ्योरी पर बेस्ड है, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी। तो सबसे पहले है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलराइजेशन इफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, एक दो टाइप के इफेक्ट है, एक पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, एक था पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट और दूसरा था पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट जो होता है वो होता है तीन टाइप का, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट जो होता है वो होता है टेम्परेरी, और वो था इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। तो इनमें से कौन सा पोलराइजेशन इफेक्ट है जिसमें पोलैरिटी जनरेट होती है, प्लस माइनस जनरेट होता है, वो होता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो पोलराइजेशन इफेक्ट को भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डिटेल नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में प्रेरणिक प्रभाव में कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था कि शिफ्टिंग ऑल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पहली बार सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, मीन्स जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम लेंगे वो लेंगे कंपाउंड जो लिया जाएगा वो होता है सिग्मा बॉन्डेड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रोमेरिक नहीं कह रहा, ये बोला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ये कंफ्यूजिंग है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मींस जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, ठीक है, रीजन जिसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर हमने दो कैटेगराइजेशन किया था, एक तो था परमानेंट इफेक्ट जिसे हमने हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, और तीसरा बताया था मेसोमेरिक इफेक्ट, ये तो थे परमानेंट इफेक्ट, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक थे टेम्परेरी। तो ये पांच के पांच जो इफेक्ट बताइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर आते, इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे तो हर तरीके के इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन केवल ये तो नहीं रहता, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये भी होता है, तो दोनों हैं, तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड पी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी इफेक्ट, अभी बताया था टेम्परेरी मतलब जो बहुत कम समय के लिए होता है, इसको हम नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट या अस्थाई प्रभाव वो होता है जो किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, मतलब रिएजेंट ले रहे हो तो अभिक्रिया आगे चलेगी, रिएक्शन आगे चलेगी, लेकिन अगर आप रिएजेंट हटा देते हैं तो रिएक्शन रुक जाती है या बैक डायरेक्शन में आ जाती है, तो टेम्परेरी इफेक्ट कहलाता है। और टेम्परेरी इफेक्ट में मैंने आपको बताया था इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द दीज शोज मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको बताया था डेल्टा मीन्स होता है पार्शियल, तो पार्शियल नेगेटिव है, इसमें डेल्टा डेल्टा पार्शियल, पार्शियल से भी पार्शियल मतलब और कम, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, जितने डेल्टा बढ़ेंगे जितना पार्शियल बढ़ेगा मींस नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, डेल्टा 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 डेल्टा, चार बार डेल्टा है माइनस, मींस यहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम है, तो डेल्टा की डेल्टा होता है उसको कम कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा की संख्या बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो डेल्टा सबसे कम जिसमें होगा
यहाँ पर केवल एक डेल्टा है, तो नेगेटिव चार्ज में सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाएगा। अगर हम कमी की बात करें तो नेगेटिव चार्ज सबसे कम इसमें है। जितने ज़्यादा डेल्टा या पार्शियल बढ़ते जाएंगे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। इसको समझने के लिए आप इंडक्टिव इफेक्ट का एक्सप्लानेशन पार्ट वन जरूर देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट ऑन, ये एक माइनस आई इफेक्ट है क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप जुड़ा है। माइनस आई ग्रुप जुड़ा है तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें डेल्टा 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 पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैंने जैसा कि बोला है कि जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले होगा जिसमें केवल एक डेल्टा है, मीन्स सी वन कार्बन में। तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा सी वन कार्बन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट किसका होता है। तो इसके लिए मैंने आपको पता है कि मैंने एक ट्रिक बताई हुई थी, वो ट्रिक थी कि नफीसा नाराज नहीं। नफीसा यहाँ आप देख सकते हैं, ये ट्रिक आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, नफीसा नाराज नहीं। नफीसा तो नहीं दिया है, नाराज दिया है एन आर, नाराज नहीं, नहीं नहीं दिया है, नोटी ये दिया है। उसके बाद सबसे सबसे ज़्यादा माइनस आई इसका होते हैं, किसका, एन आर थ्री पॉजिटिव का, नाराज नहीं नोटी, ये बाद में आएगा, साइना इससे कम और नोटी साइना से इसका सबसे कम। तो मैक्सिमम माइनस आई किसका होगा, एन आर थ्री। इसीलिए मैंने बोला है ये ट्रिक जरूर पढ़ें। ये मैंने पार्ट टू में शेयर किया था इस ट्रिक को, और इसके नोट्स आपको मेरे ब्लॉग्स में भी मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ वीडियोस को। तो ये सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग माइनस आई। तो ये कुछ चार हमें ग्रुप्स दिए गए हैं, तो ये कह रहा है कि माइनस आई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे ज़्यादा जो माइनस आई होता है वो किसका होता है, नफीसा एन एफ दिया है नहीं, नाराज एन आर दिया है नहीं, नहीं एन एच दिया है, एन एच थ्री पॉजिटिव, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वालों को होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पॉजिटिव जहाँ दिख रहा है आप सबसे ज़्यादा उन्हीं का लगाएंगे माइनस आई इफेक्ट। तो एन एस थ्री पॉजिटिव एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाला सबसे पहले नहीं है, तो पॉजिटिव वाले का सबसे ज़्यादा माइनस आई होना चाहिए, तो इन तीनों में। अब आगे बढ़ते हैं, नफीसा नाराज नहीं नोटी, मतलब इसके बाद नोटी मीन्स एन ओ टू आना है, एन ओ टू कौन से में है, इन दो ऑप्शन में, तो मीन्स ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक का, नोटी साइना से, सेफ और होता है सल्फेट, तो सल्फेट का ज़्यादा होगा, और यहाँ क्या आ गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बहुत पीछे है, आप देख सकते हैं इसमें भी एल्डिहाइड यहाँ है और सल्फेट पहले है। तो आप इसमें सीधे सीधे हम ट्रिक करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, नफीसा नाराज नहीं नोटी साइना से, सल्फेट का ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड का कम होता है, इसलिए ये वाला ट्रिक, ये वाला माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इनको हमने सही ऑर्डर में लगाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीस्ट माइनस आई इफेक्ट, ये कह रहा है इनमें से किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। तो फिर से हम ट्रिक लगाते हैं, तो वो ट्रिक थी कहो कौन करेगा ऐसे हेलो, कहो सी एच ओ, कहो कौन कीटोन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले सी एच ओ आएगा, कहो सबसे ज़्यादा माइनस आई इसका, कौन इससे कम होता है, और करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और कम, तो सबसे कम किसका आ जाए, ऐसे हलकट एसिड हेलाइड इसे बोलते हैं, तो ऐसे हलकट ये बुलाते हैं, सबसे बाद में नाम आ रहा है मीन्स इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, और सबसे पहले नाम ट्रिक में हमारा कौन आ रहा है, नहीं कहो आ रहे हैं मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप आ रहे हैं, तो इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा और सी ओ सी एल का माइनस आई सबसे कम। तो नेक्स्ट हम पहुँचते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें भी ये पूछा गया है लीस्ट प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की मैंने ट्रिक बताई थी, चमन सी एच नहीं, ठीक है चमन नहीं ओ कौन, ठीक है चमन नहीं ओ कौन, सॉरी एन एच टू था, ठीक है ये है चमन सबसे ज़्यादा इसका होगा, नहीं इससे कम, ओ इसका और कम, और सबसे पीछे आ जाएगा ये, ये सी एस थ्री क्या है, जीरो डिग्री, इसमें कोई डिग्री नहीं है, ठीक है तो इसका हो जाएगा सबसे कम। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रिक,
चमन नहीं हो कौन, एक ट्रिक ये थी, और दूसरी ट्रिक थी मैथिली नहीं और कौन, 321। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम मूव करते हैं, तो हमने देखा कि इसमें भी अरेंजिंग ऑर्डर लगाना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग प्लस आई, प्लस आई के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप देख सकते हैं इसको, आपको इसमें आप देख सकते हैं कि इस सी एच में, इस सी में तीन के तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस सी में एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दो सी एच थ्री जुड़े हैं, तो हम कह सकते हैं ये तो जीरो डिग्री है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इस सी में एक हाइड्रोजन लगा है जो डायरेक्टली अटैच है, दो सी एच थ्री, तो दो ग्रुप लगे हैं तो टू डिग्री। इसकी बात करें तो इस सी में दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक सी एच थ्री लगा है, तो मीन्स ये कितना डिग्री, वन डिग्री। और इसकी अगर बात करें, इस कार्बन में डायरेक्टली अटैच तीन सी एच थ्री वाले ग्रुप, तो ये थ्री डिग्री। जैसा कि मैंने बताया था 321 में सबसे पहले ये आएगा, इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा, तो इसको लिखना है, ढूंढिए सबसे ज़्यादा ये एकमात्र ऑप्शन है और कोई है नहीं, थ्री डिग्री से कम, ये है टू डिग्री, देख लीजिए टू डिग्री, फिर इसके बाद आ जाएगा वन डिग्री, और ये होता है जीरो डिग्री। तो फोर्थ वाला आंसर हमारा सही होगा, इसका प्लस आई सही क्रम में हमने लगाया हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, ये भी पहले मैंने बताया था कार्बन के बेस पे, तो मैंने बोला था जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा, वो जो भी प्रॉपर्टी आपको दी होगी प्लस या माइनस, वो कम होती जाएगी। तो डेल्टा मीन्स होता है पार्शियल, जितने जितने डेल्टा बढ़ते जाते हैं वो पार्शियलिटी मतलब कम होती जाती है उतनी। तो डेल्टा डेल्टा बढ़ते जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, जिसमें डेल्टा सबसे कम होंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सेंट्रल कार्बन फ्री रेडिकल पजल्स, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने यही बताया था, जो सेंट्रल कार्बन है, कोई एक कार्बन है, ठीक है, अगर वो फ्री रेडिकल कार्बन है, ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप देख सकते हैं, वैसे आप खुद बता सकते हैं इसमें आंसर कितना होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। यह है कार्बन फ्री रेडिकल, तो तीन बॉन्ड है इसमें, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू टू टू, सिक्स इलेक्ट्रॉन ही है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री रेडिकल इसी को कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और छह इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितने हो गए, सेवन इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल में सेवन इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से किसका, क्या फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो सेवन इलेक्ट्रॉन है, और कंप्लीट ऑक्टेट के लिए एट इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटेड दियर ऑक्टेट, इनमें से किसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, हम काउंटिंग करके बताते हैं। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, टू टू फोर टू सिक्स, छह इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्टेट नियम कहता है कि आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें काउंट करते हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, टू टू फोर टू सिक्स और एक सेवन, क्या आठ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, आठ से कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ काउंट करते हैं, टू टू फोर टू सिक्स, और माइनस मीन्स यहाँ पर होगा दो इलेक्ट्रॉन, तो टू टू फोर टू सिक्स टू एट, तो एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो हम कहेंगे इसका ऑक्टेट या अष्टक पूरा है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 की देखें तो इसमें दिया है सी टी थ्री, टी होता है जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक जिसे हिंदी में कहते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम, तो ये जो T है वो होता है 1s3, और ये जो D है वो है 1h2, और जो H है वो 1h1, तो ड्यूटेरियम ट्राइटियम और प्रोटियम। तो ट्राइटियम जो है ये मैं आपको बता देती हूँ अलग से भी, ट्राइटियम को हम ज़्यादा 1h3 जो होता है ट्राइटियम, इसको ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं, ड्यूटेरियम को कम देते हैं, और प्रोटियम जो होता है जिसे हम हाइड्रोजन लिखते हैं इसको सबसे कम प्रायोरिटी। तो आपको दिख रहा है CT3, CD3, CH2 और CH3। पहली बात, जैसे जैसे T बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे T बढ़ेंगे इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, तो इसमें तीन T है, इसमें दो T है, ठीक है, D का कमी होता है और H का तो और कम होगा, तो सबसे कम CH3 का, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा CD3 का। अब इधर बात करें तो इसमें दो T है और इसमें है तीन टी, तो जिसमें टी की संख्या ज्यादा होगी उसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरिटिकल नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन,
तो कार्बन पे पॉजिटिव है तो वो पुअर होता है, उसको रिच बनाने और रिच बनाने के लिए CH3 जुड़ते हैं। तो जितने ज्यादा CH3 जुड़ेंगे उतना ज्यादा वो रिच बनेगा, अमीर बनेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें एक CH3 जुड़ा है, इसमें दो CH3 जुड़े हैं, इसमें तीन CH3, तो 3+3+I ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो सबसे रिच ये और सबसे रिच जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप देख सकते हैं ट्रिक बताई थी, सी पॉजिटिव या फिर सी रेडिकल पुअर होता है, इसको +I ग्रुप जोड़ के रिच बनाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? तो वही चीज है, सॉरी इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज मेंशन नहीं किया, तो ये हम मेंशन कर लेते हैं। तो ये कार्बोकेटायन है, इसमें CH3 का होल थ्राइस 3 जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री है। इसमें CT3 का होल थ्राइस, इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं, प्रोटियम इसमें ट्राइटियम जुड़े हैं, है ही 3 डिग्री, लेकिन इसमें क्या जुड़ा है, CH3 प्रोटियम वाले 3 हाइड्रोजन, इसमें ट्राइटियम मतलब 1s3 वाला आइसोटोप जुड़ा हुआ है। और टी जहां पर आता है उसकी उसकी स्टेबिलिटी हमें ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। इसमें केवल एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, एक ट्राइटियम वाला ग्रुप जुड़ा है, इसमें 2 जुड़े हैं, इसमें 3 जुड़े हैं, और यहाँ पर अगर आप जो देखोगे ग्रुप तो 3 ही जुड़े हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? पहली बात कंडीशन, सबसे ज्यादा ग्रुप जहाँ जुड़े होंगे CH3 वाले ग्रुप, CT3 वाले ग्रुप, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर केवल एक ग्रुप जुड़ा है, यहाँ 2 जुड़े हैं, इनमें 3 जुड़े हैं, तो इन दोनों में से कोई ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम देखते हैं ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप देख सकते हैं टी को हम प्रिफ्रेंस देते हैं एच की तुलना में, टी की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है लीस स्टेबल, तो लीस स्टेबल वो जिसमें सबसे कम ग्रुप जुड़े हैं, तो इसमें केवल एक CT3 जुड़ा है, इसमें 2 CT3, इसमें 3 है, तो सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा, जिसमें कम ग्रुप जुड़े हैं वो कम स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे। तो ये आपको दिख रहे हैं सी रेडिकल में एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है रेडिकल, इसमें 2 CH3 जुड़े हैं 2 डिग्री रेडिकल, इसमें 3 CH3 जुड़े हैं 3 डिग्री रेडिकल, और इसमें कोई भी CH3 वाला ग्रुप नहीं जुड़ा है, 3 के 3 हाइड्रोजन है, तो 0 डिग्री। तो सबसे ज्यादा आपको पता है सबसे कम स्टेबल होगा, जितने कम ग्रुप जुड़े होंगे कार्बन वाले उतना कम स्टेबल। तो अच्छा सबसे ज्यादा स्टेबल देख लेते हैं, चलिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल जितने ज्यादा +I ग्रुप CH3 ग्रुप उतना स्टेबल, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल मींस सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन 3 दिए हैं, 1, 2, 3, तो इनमें से कोई एक होगा। 3 डिग्री से कम होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री कौन सा वाला आंसर है हमारा, थर्ड, तो इसके बाद थर्ड ढूंढते हैं इन दोनों में, तो मींस इन दोनों में से कोई नहीं होगा, सेकंड के बाद थर्ड ऑप्शन है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 2 डिग्री से कम होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री जो हमारा पहला वाला है, तो ये वाला दिख रहा है पहला, और सबसे कम होता है फोर्थ वाले का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, +I ग्रुप या देने वाले ग्रुप। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए कि नेगेटिव वाला है कि पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, नेगेटिव वाला होता है रिच और उसके पास क्या है, ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी उसकी हटानी, मीन्स वो रिच है तो उसको क्या बनाना है, पुअर, और पुअर बनाने वाले ग्रुप क्या होते हैं, -I ग्रुप, ठीक है। -I ग्रुप ज्यादा जुड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पुअर होता जाएगा, पुअर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि उसके पास ब्लैक मनी है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें +I ग्रुप जोड़ दें, तो +I ग्रुप देने वाले ग्रुप होंगे, तो वो पहले से ही रिच था, उसमें +I ग्रुप जोड़ दिए मीन्स और ज्यादा देने वाले आ गए, तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी, और ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठी होगी, ठीक है। तो -I ग्रुप में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आएंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसमें देने वाला ग्रुप कोई नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, 0 डिग्री। इसमें एक CH3 ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है, तो 1 डिग्री। इसमें 3 ग्रुप आ गए इलेक्ट्रॉन देने वाले, देखिए एरो की डायरेक्शन, 3-3 ग्रुप दे रहे हैं तो 3 डिग्री। इसमें केवल 2 ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, तो 2 डिग्री। तो जितने कम ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस समय उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो अनस्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अगर नहीं है तो स्टेबल रहेगा, सबसे स्टेबल 0 डिग्री। ध्यान रखिएगा कार्बोकेटायन का जस्ट अपोजिट, उल्टा जो होता है, विपरीत ये होता है कार्बेनायन, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन में वो पुअर था, उसको रिच बनाना था तो स्टेबल होगा, और कार्बेनायन में रिच होता है तो उसको पुअर बनाने हैं तब स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कार्बेनायन मोस्ट स्टेबल।
अभी मैंने बताया था कार्बन आयन जो है वो रिच है उसको पुअर बनाने है, और पुअर बनाने के लिए माइनस आई मांगने वाले ग्रुप लगाएंगे। जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, पुअर होता जाएगा, और पुअर होगा तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक मांगने वाला ग्रुप है, इसमें दो मांगने वाले ग्रुप आ गए, इसमें तीन तीन ग्रुप है मांगने वाले, और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है मांगने वाला। तो तीन तीन ग्रुप माइनस आई ग्रुप आ गए, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा, और पुअर होगा तो ये स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आयन में कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये पुअर स्पीसीज होता है, ठीक है, और ये रिच बनना चाहता है। ठीक है, तो कोई पुअर है, ये सबके सब पुअर है, तो ये चाहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आ गया फ्लोरीन, इसमें दो दो ग्रुप आ गए इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इसमें तीन तीन ग्रुप लेने वाले आ गए। ठीक है, तो तीन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन लेने वाले, तो ये सबसे ज्यादा पुअर, तो ये लीस्ट स्टेबल। ठीक है, और मोस्ट स्टेबल की बात करें तो ये मांगने वाला ग्रुप, ये दो मांगने वाले ग्रुप, ये तीन मांगने वाले ग्रुप, लेकिन यहाँ पर ना मांगने वाला ग्रुप है ना देने वाला ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल CH3 हो जाएगा, और सबसे कम CF3, क्योंकि तीन तीन माइनस आई ग्रुप है, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे ये और पुअर होगा, जितना ज्यादा पुअर होगा ये क्या हो जाएगा, क्या अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ठीक है, रेडिकल वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में, मोर रिपल्शन अकर्स इन, इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन किस में होगा कह रहे हैं। तो आपको पता है कि माइनस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन कहीं पर एक्यूमुलेट हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं, अब इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होगा, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज के पास और भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं तो उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो हम बात करें तो इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है समझिए। इसमें तीन आई ग्रुप हैं, तीन आई ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जा रहे हैं तो कार्बन के बाहर इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्शन नहीं होगा, इसको छोड़िए। तो अब इसकी बात करें CF3 की, इसमें तीन तीन फ्लोरीन ग्रुप हैं जो आयोडीन से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉन ले जाने में, तो ये और दूर ले गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कम रिपल्शन। अब यहाँ बात करें इस CH3 में तीन ग्रुप, इस कार्बन में तीन CH3 ग्रुप ऐसे जुड़े हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे क्योंकि माइनस चार्ज है, और ये तीन CH3 इसमें और जुड़ गए जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज वाले एक ही जगह पर हैं, तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन इनमें होगा, और सबसे कम रिपल्शन इसमें, क्योंकि इस ये तो ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं दूर तक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच के दूर ले जाएगा, तो यहाँ पर झगड़ा नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन इस आयोडीन से ज़्यादा पावर होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने की, तो सबसे कम रिपल्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था, सेकेंड हेडिंग थी हमारी रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन इज प्रिफर्ड एड, तो एल्डोल कंडेंसेशन की आपको ध्यान होगा कि ये अल्फा हाइड्रोजिनेटेड एल्डिहाइड या कीटोन में होता है, ये सब आप देखोगे एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, और सभी में अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तीन और तीन छः अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तीन और दो CO के जस्ट बगल वाली कार्बन होती है अल्फा कार्बन, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है अल्फा, एक यहाँ, तो तीन हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन पांच, यहाँ तीन और एक चार, तो अल्फा हाइड्रोजन सभी में है। अब हम पूछ रहे हैं कि अटैक कहाँ पर प्रिफर्ड होगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन के पहले स्टेप में हम NaOH लेते हैं और उसमें जो OH निगेटिव होता है वो क्या करते हैं, अटैक करने का काम करते हैं, OH निगेटिव अल्फा हाइड्रोजन को ले जाते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन को जब वो ले जाते हैं तो एक इनोफाइल बनता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल या इनोफाइल नेगेटिव चार्ज वो कहाँ पर अटैक करेगा, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उस स्पीसीज को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर पुअर ज़्यादा है, जहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ग्रुप इसको दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन, डोनेट कर रहा है कार्बन को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऐसे समझ लीजिए 10 है, यहाँ पर अगर बात करें तो दो दो ग्रुप इसको दान डोनेट कर रहे हैं, 10 10 हो गया 20, इसकी बात करें तो 10 ये डोनेट कर रहे हैं, 10 ये डोनेट कर रहे हैं, 10 ये डोनेट कर रहे हैं, तो कितने हो गए 30,
यहाँ बात करें 10 ये डोनेट कर रहे हैं, 10 ये कितने हो गए 40। तो सबसे कम सबसे पुअर कौन है, सबसे पुअर है ये, तो कंडीशन यही तो थी। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ करता है जो सबसे ज़्यादा पुअर सेंटर हो, ठीक है, पुअर सेंटर। तो सबसे पुअर कौन है ये, तो यहाँ पर अटैक होगा कार्बन, इस कार्बन की बात चल रही है। तो जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बढ़ते जाएंगे, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, वो रिच होता जाएगा और रिच पे अटैक नहीं करेगा, रिच वाला पुअर पे करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है न्यूक्लियोफाइल प्रिफर टू अटैक, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करना चाहता है, तो कहाँ पर, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज जो कि रिच होता है, तो रिच कहाँ पर अटैक करना चाहता है, जो पुअर हो, पुअर मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो। सी ऑप्शन में बोध के लिए लिख रही थी, तो अभी आप इसको ब्लैंक में कर दे रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर कम होगी, जो पुअर होगा, वहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रिफर्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है OS नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल प्रिफर टू अटैक, वही क्वेश्चन है एल्डोल वाला भी। अगर बात करें एल्डोल नहीं भी है तब भी देखिए, OS नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर देखिए करता वो अटैक CO के कार्बन पे है, सभी जगह कार्बन पे। तो हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, रिच है, तो वो पुअर सेंटर पर अटैक करेगा, गरीब सेंटर पे। तो यहाँ पर कोई ग्रुप देने वाले नहीं है, किसके पास 0 रुपीज़ है। यहाँ पर एक ग्रुप देने वाले हैं 10 रुपीज़ है, यहाँ पर दो ग्रुप दे रहे हैं, तो यहाँ पर 10 और 10 20 रुपीज़ है, यहाँ पर 1 2 3 ग्रुप दे रहे हैं 30 रुपीज़ है। सबसे पुअर सेंटर कौन सा है, ये जिसके पास 0 रुपीज़ है, तो यहाँ पर अटैक प्रिफर करेगा। और सबसे कम अटैक कहाँ होगा, जो सबसे ज़्यादा रिच है, क्योंकि रिच वाला पुअरेस्ट सेंटर पे अटैक करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 भी वही है, Cl नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ पर अटैक करना चाहेगा, Cl नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ पर अटैक करना चाहेगा जो सबसे ज़्यादा पुअर है। तो देखिएगा यहाँ पर 0 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पर 0 रुपीज़ है, ठीक। इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे इसके पास ऑलरेडी 50 रुपीज़ है, ठीक है, इसको एक ग्रुप देने वाले आ गया तो ये 10 रुपीज़ दे रहे हैं, तो इसके पास भी 50 थे, इन सभी के पास, तो 50 + 10 के हो गया 60 रुपीज़। इसकी अगर बात करें तो इनके पास भी 50 और 50 थे, लेकिन यहाँ पर 3 ग्रुप आए, 10 10 10 ले गए, तो कितना इसके पास बचा, 50 थे इसमें से 10 10 10 30 ले गए, तो 20 रुपीज़ बचे। और इसके पास 2 ग्रुप आ गए मांगने वाले, ठीक है, 10 ये ले गया 10 ये ले गया, तो कितने बचे 50 में से 30, तो इसके पास बचे 30, इसके पास बचे 20, इसके पास बचे 60, इसके पास 60 हैं और इसके पास बचे 50। तो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट सेंटर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा ले जाने वाले आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पुअर हो गया, केवल 30 रुपीज़ हैं, तो पुअर सेंटर पे ही प्रेफरेंस होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक का, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, पुअरेस्ट सेंटर, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिच जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। SN1 रिएक्शन बेस्ट अकर्स है, SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, और लीविंग ग्रुप निकलेगा तो उसमें से क्या बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन तब जल्दी बनेगा जब वो स्टेबल होगा। तो हम कहते हैं सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन कहाँ होगी, तो हम इसको देख लेते हैं ब्रेक करने के बाद कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल कहाँ पर बन रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सी पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 CH3 जुड़े हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाए गए, इसमें 1 CH3 है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, इसमें 3 3 ग्रुप आ जाएंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और हम जानते हैं तो 3 3 ग्रुप इसको देने वाले हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन यही होगी, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कंडीशन है वहीं पर फास्ट होगी जहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 3 डिग्री में अटैक, SN1 रिएक्शन सबसे अच्छे से होता है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन की मैंने आपको बताया था कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले ही पहले स्टेप में ही अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक रिच होता है तो वो अटैक करता है जहाँ पर पुअर सेंटर हो। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन में अटैक करना है, यहाँ पर पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर एक ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला, जैसे 10 रुपीज़ होगी, ठीक है, इसमें तो इसमें 3 के 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कोई नहीं दे रहा है, 0 रुपीज़। यहाँ पर 2 2 ग्रुप आ गए, 10 10 20 रुपीज़, और यहाँ पर 3 लोग दे रहे हैं 30 रुपीज़, तो 30 20 10 और 0 रुपीज़। तो कहाँ पर SN2 रिएक्शन सबसे अच्छी होगी अगर देखें तो इसमें, और अगर बात करें उससे थोड़ी कम किस्म होगी इसमें,
इसमें और कम हो गया और सबसे कम SN2 रिएक्शन है, तो हम कह सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, SN1 का अपोजिट SN2। तो 28 क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं एसिडिक नेचर में, जो हमारी फोर्थ हेडिंग थी। एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो एसिडिक नेचर में हमें देखना है लीस्ट एसिडिक, तो एसिडिक के लिए भी मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी, ठीक है। एसिडिक नेचर के लिए ट्रिक बनाई थी, एसिडिटी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, तो मांगने वाले लोग आएंगे तो हमारी टेंशन बढ़ेगी, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, और देने वाले लोग आएंगे तो हम रिच होते जाएंगे तो हमारी टेंशन कम होगी, तो एसिडिक नेचर भी कम होगा। अब आप देख रहे हैं फ्लोरीन एक मांगने वाला ग्रुप है, तो फ्लोरीन जो है यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो इसकी एसिडिटी कम होगी। अब इसमें फ्लोरीन आ गया, ये जस्ट इस COH के जस्ट बगल वाली कार्बन है, नंबर वन कार्बन है, नज़दीक है फ्लोरीन। इस वाले एग्जांपल की बात करें तो एक कार्बन को छोड़ के फ्लोरीन है, इसमें 1, 2, 3, इसमें बहुत दूर चला गया, तो हम जानते हैं जितना ज़्यादा ये माइनस आई ग्रुप जितना नज़दीक होगा इस ग्रुप के, तो उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एसिडिक नेचर तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसका है, लेकिन ये पूछ रहा है लीस्ट एसिडिक, तो लीस्ट एसिडिक आपको पता है अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ गया तो उसकी एसिडिटी तो ज़्यादा होगी होगी, लेकिन इसमें कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसलिए इसके एसिडिक नेचर क्या है, सबसे कम होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मोस्ट एसिडिक, इसमें से हम देखते हैं, देखिए मोस्ट एसिडिक जिसका माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, उसका एसिडिटी सबसे, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, तो ट्रिक हम लगाएंगे, ट्रिक था नफीसा नाराज नहीं नोटी, सबसे पहले क्या शब्द आया नोटी, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका माइनस आई इफेक्ट मांगने वाले पावर सबसे ज़्यादा, उसका एसिडिक नेचर भी सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अरेंज द अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये वही क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई भी मांगने वाला ग्रुप नहीं है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो 1-1 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इन्हीं की होगी इसकी। अब इसकी बात करते हैं जितना नज़दीक है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो ये 1 नंबर कार्बन पे है, ये 2 नंबर कार्बन पे है, 3, तो जितने COH ग्रुप के नज़दीक होगा उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा, माइनस आई ग्रुप नज़दीक तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, तो सेकंड का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, तो बस मैंने 2 ऑप्शन देखी इसी से कर लिया, पहले तो इन दोनों में से एक होगा, फिर मैंने देखा पहला ऑप्शन फोर्थ है, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसमें कह रहा फोर्थ, इसका तो नहीं है क्योंकि ये COH ग्रुप से बहुत दूर है, तो एसिडिक नेचर सबसे कम, ठीक है, इन तीनों, और जो ग्रुप माइनस आई ग्रुप अगर इस ग्रुप के COH के नज़दीक होगा तो इसका माइनस आई सबसे, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब देखते हैं लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक की बात करें तो ये फिनॉल है, इसमें H निकल जाएगा तो ये H पॉजिटिव रिलीज करता है तो एसिडिक कहलाता है, तो OH के बगल में CH3 है, इसमें मेटा पोजीशन पे है, इसमें पैरा पे है, इसमें है ही नहीं, तो आपको पता है CH3 क्या होते हैं, ये देने वाले ग्रुप हैं, अभी बताया था प्लस आई ग्रुप जो होते हैं, ट्रिक से मैंने बताया था ये देने वाले हैं एसिडिटी को, एसिडिटी एक टेंशन की कंडीशन है, तो अगर देने वाले आएंगे तो टेंशन कम होगी तो एसिडिटी भी कम होगी, तो देने वाले ग्रुप सब एक, इसमें एक देने वाला है, इसमें भी एक देने वाला है, इसमें भी, इसमें कोई नहीं, तो इसका तो एसिडिक नेचर ज़्यादा ही होगा, इन तीनों में से एसिडिक किसका कम, टेंशन किस में कम, ये सबसे नज़दीक है, जितना नज़दीक होगा टेंशन कम होगी, तो मीन्स एसिडिक नेचर भी उसका सबसे कम होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, तो वही कंडीशन है, इसमें HCOH, इस COH में H जुड़ा है जो कि ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इसमें एक ग्रुप जुड़ा है CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और डोनेट करेगा तो ये टेंशन को कम करेगा, मींस एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें माइनस आई ग्रुप Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, तो इसमें एक Cl है, इसमें 3 Cl, तो जितने ज़्यादा माइनस आई ग्रुप उनका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट 34, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो इसमें CO नेगेटिव फ्लोरीन नाइट NO2 CN और SO3 जी है, स्ट्रक्चर में केवल डिफरेंस है इन ग्रुप्स का, तो हम इसमें ट्रिक लगाएंगे माइनस आई इफेक्ट जिसका ज़्यादा वो एसिडिक ज़्यादा, तो ट्रिक थी नफीसा नाराज नहीं नोटी, सबसे पहले यही आ रहे हैं नोटी, तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा नोटी साइना से
फिर कलबर आता ही, और इसका एसिडिक नेचर सबसे कम फ्लोरीन वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो इसमें आपको देख सकते हैं एक NO2 जुड़ा है, आपको पता है माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इसमें एक NO2 है, इसमें दो NO2 जुड़ गए, दो माइनस आई ग्रुप, इसमें तीन माइनस आई ग्रुप जुड़े हैं। जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप जुड़ते जाते हैं, एसिडिक नेचर टेंशन बढ़ती जाती है, एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाता है। और इसमें एक भी माइनस आई ग्रुप नहीं जुड़े हैं, तो इसके एसिडिक नेचर सबसे कम, और इसमें तीन तीन ग्रुप जुड़े हैं सबसे ज़्यादा, तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, लीस्ट एसिडिक। अब ये क्वेश्चन आ गया के ए पर बेस, तो मैंने इसके लिए भी ट्रिक्स बताई थी। एसिडिक नेचर और के ए एक ही चीज़ है, के वैल्यू एसिडिक भी एक टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं और के वैल्यू भी टेंशन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स दोनों के लिए सेम। माइनस आई ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे तो के ए को भी बढ़ाएंगे, और प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं, एसिडिक नेचर को कम करते हैं, तो के ए वैल्यू को भी क्या करेंगे, के ए वैल्यू को भी कम करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो के ए की वैल्यू जिसमें सबसे कम उतना ज़्यादा, के ए की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी वो के ए की वैल्यू कम तो उसका एसिडिक नेचर भी कम, और के ए की वैल्यू ज़्यादा तो उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा। तो के ए की वैल्यू सबसे कम किस में है, वो हो जाएगा एसिडिक नेचर उसका सबसे कम हो जाएगा। तो के की वैल्यू सबसे कम, जितना जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब पावर जो नेगेटिव की बढ़ती जाएगी, उसका एसिडिक, उसके के की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका आंसर होगा 0.0002। तो मींस जितना ज़्यादा पावर में नेगेटिव चार्ज, सॉरी पावर जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसका वैल्यू कम होता जाता है। तो यहाँ पर के का मान सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, और यहाँ पर के का मान सबसे कम, तो इसका लीस्ट एसिडिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन मैक्सिमम। अब आपको पता है कोई भी एसिड जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उसमें एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है, ये पीएच के बेस पे है। तो एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मैक्सिमम, उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है एच पॉजिटिव की सांद्रता, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा। तो हम देखते हैं, इसमें कोई ग्रुप नहीं है देने वाला, इस सी ओ एच का एच निकालना है, तो ये एसिडिकिटी को शो करेगा। और इसमें तीन तीन ग्रुप है, इसमें एक CH3 ग्रुप है देने वाला, प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, और एसिडिटी को कम करेंगे तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम। तो इसमें एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लीस्ट होगी। अब बात करते हैं, यहाँ इसमें एक फ्लोरीन ग्रुप है, एक माइनस आई ग्रुप है खींचने वाले, तो एसिडिटी ज़्यादा, इसकी तुलना में ज़्यादा। इसमें दो दो ग्रुप आगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, तो इसका एसिडिक नेचर इसकी तुलना में और ज़्यादा। और इसमें तीन तीन ग्रुप माइनस आई आगे, तो इसका एसिडिक नेचर और भी ज़्यादा, और जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उतना ज़्यादा वहाँ एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के, वही के की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ होगी? तो मैंने आपको बताया था के और पी के वे एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट। अगर के में माइनस आई ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को या के की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो पी के में माइनस आई ग्रुप क्या होंगे, पी के की वैल्यू को घटाते हैं, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट था। तो मीन्स के का मान ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पी के का मान कम होगा। तो इनमें सबसे कम पी के मान ये है 1.31, तो इसका जो के ए वैल्यू होगी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, और के का मान कम होगा तो पी के का मान क्या होगा, ज़्यादा, जस्ट अपोजिट रहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एच की अगर बात करें कि अधिकतम पी एच किसका होगा, तो जिसका आपको पता है पी एच अगर एसिडिटी ज़्यादा, एसिडिक नेचर ज़्यादा, तो पी एच कम, एसिडिक नेचर ज़्यादा तो पीएच क्या होता है, कम होता है। तो इनमें से देखते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, उसका पीएच कम होगा, और जिसकी एसिडिटी सबसे कम उसका पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इनमें से देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये देने वाले ग्रुप एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसमें एक ग्रुप देने वाले, इसमें दो दो ग्रुप देने वाले, इसमें इसमें मैंने पूरा शो नहीं किया है, इसमें तीन ग्रुप हैं देने वाले, ठीक है, इसमें तीन तीन ग्रुप हैं देने वाले, और इसमें कार्बन में केवल तीन हाइड्रोजन लगे हैं। तो आपको पता है देने वाले ग्रुप जो होंगे जितने ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो देने वाले ग्रुप एसिडिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। देख लीजिए, देने वाले ग्रुप प्लस आई ग्रुप
एसिडिटी को, एसिडिक नेचर को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप उतना एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम, और एसिडिक नेचर कम तो पीएच की वैल्यू ज़्यादा, जस्ट अपोजिट है पीएच और एसिडिक नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में से लोवेस्ट पीएच किसका होगा, लोवेस्ट पीएच है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो इनमें से देखते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो पहले देखते हैं इसमें इस OH, ये है फिनॉल, नहीं सॉरी फिनॉल नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसमें कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो माइनस आई ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं, जितने नज़दीक होते हैं उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसमें NO2 सबसे नज़दीक यहाँ पर है, यहाँ पर मेटा थोड़ा दूर चला गया, इसमें पैरा ये सबसे दूर है। तो जितना नज़दीक होगा माइनस आई ग्रुप उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो पीएच कम, तो सबसे कम पीएच इसका और सबसे ज़्यादा पीएच इसका, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, क्योंकि माइनस आई ग्रुप बहुत ज़्यादा नज़दीक है OH की। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाते हैं, मैक्सिमम पीकेए वैल्यू। तो पीकेए वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ पीकेए का जस्ट अपोजिट होता है केए, तो केए क्या होगा, कम, और केए कम तो एसिडिक नेचर कम, तो इनमें से सबसे कम एसिडिक नेचर कितना होगा, किसका होगा। तो आपको पता है अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ जाते हैं, तो एसिडिक नेचर कम किसका होगा पूछ रहे हैं, तो एसिडिक नेचर कम इसका जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो माइनस आई ग्रुप के कारण एसिडिक नेचर बढ़ जाते हैं, तो एसिडिक नेचर इसमें कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है तो इसका एसिडिक नेचर सबसे कम, और एसिडिक नेचर कम तो पीके की वैल्यू ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इफ़ एसिडिक नेचर इंक्रीज, अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो पीएच घटेगा या पीएच बढ़ेगा या पीएच न्यूट्रल रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो एसिडिक नेचर बढ़ता है तो पीएच का मान जस्ट अपोजिट होता है, पीएच और पीकेए का वैल्यू जस्ट अपोजिट होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की। लीस एसिडिक कौन सा होता है, इनमें से कौन सा लीस एसिडिक होगा, अभी बताया है, एसिडिटी ज़्यादा, एसिडिक ज़्यादा तो पीएच कम, और एसिडिक कम तो पीएच ज़्यादा, तो पीएच मैक्सिमम किसका है, इसका है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी या लीस एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ दीज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। एच पॉजिटिव बढ़ती है तो पीएच भी बढ़ता है, नहीं, एच पॉजिटिव और एच पॉजिटिव एसिडिटी है, पीएच के जस्ट अपोजिट होता है, ये तो रॉन्ग हो गया। के बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और पीएच भी बढ़ते हैं, नहीं, के और पीएच एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पीएच कम होता है। अब बात करते हैं पीके और के, तो के होता है एसिडिटी बढ़ेगी तो पीके भी बढ़ेगा, नहीं, अभी बताया था पीके और के एक दूसरे का अपोजिट होता है, के बढ़ेगा तो पीके कम होगा। अब बात करते हैं यहाँ पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव, मींस एसिडिटी कम होगी तो पीएच बढ़ेगा, यस, एच पॉजिटिव या एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच कम होता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, तो इसमें से एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन मैक्सिमम किस में होगी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा उसमें एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन मैक्सिमम, उसका के का वैल्यू ज़्यादा, उसका पीएच की वैल्यू कम, उसकी पीए की पीके की वैल्यू कम, इतनी चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो इसमें ग्रुप लगे हैं NO2, NF3, CN और F, ये है माइनस आई ग्रुप, और मैंने इतना आप ध्यान रख लीजिए, अगर पॉजिटिव वाला कोई ग्रुप जुड़ा होगा, माइनस आई ग्रुप पॉजिटिव वाला जुड़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो इनका एसिडिक नेचर क्रिएट करते हैं वो यही होते हैं, सबसे ज़्यादा माइनस वाले, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप है NF3 पॉजिटिव का, तो इसमें इसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिसिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पहला है मैक्सिमम बेसिसिटी, बेसिसिटी जो होता है वो होता है क्षारीयता, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। तो आपको पता है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा डोनेट करेगा, तो इसमें 3 के 3 हाइड्रोजन है, ना देता है ना ले रहा है, इसमें एक CH3 ग्रुप है, एक ग्रुप लेने वाला है, जिसे देने वाला है, एक प्लस आई ग्रुप है, 10 रुपीज़, यहाँ पर 0 रुपीज़, यहाँ पर 10 और 10 हो गए 20 रुपीज़। सबसे ज़्यादा रिच कौन है ये, तो सबसे ज़्यादा रिच जो होगा वो आसानी से डोनेट करेगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे। अब इसमें मैंने ग्रुप जो जोड़ दिए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, इस NH2 में एक CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, ये भी एक माइनस आई ग्रुप है, और यहाँ पर ये ग्रुप लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी NO2 एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, एरो की डायरेक्शन देखिए, तो ये 3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं,
लेकिन ये दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, तो हाईएस्ट मैक्सिमम बेसिसिटी तो इसकी, लेकिन सबसे कम किसकी होगी इन तीनों में से, तो इन तीनों में से जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वो बेसिक सबसे ज़्यादा, सबसे उसकी बेसिसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर सबसे कम। तो ट्रिक लगाते हैं माइनस आई सबसे ज़्यादा जिसका, उसकी बेसिसिटी सबसे कम, डोनेशन पावर कम। तो नफीसा नाराज नहीं, नोटी सबसे पहले ये आ रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा, तो इसकी बेसिसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर सबसे कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सारे खींच लेगा तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। इसमें एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें दो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें अगर बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि दो ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सॉरी इसमें कोई ग्रुप नहीं होता है डोनेट करने वाला, सॉरी ये सी एस थ्री है, ये डोनेट करेगा इस समय क्योंकि एन एस टू को दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लीजिए, इसमें तीन के तीन हाइड्रोजन है, इसमें इस सी एस टू में दो हाइड्रोजन एक सी एस थ्री, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका डोनेशन एक ही नाइट्रोजन पे दो डायरेक्टली अटैच सी एच थ्री लगे हैं, तो इसका डोनेशन और ज़्यादा, इससे ज़्यादा डोनेशन इसका, सबसे कम अभी डोनेशन इसका हो रहा है, इससे ज़्यादा इसका, इसका सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं इसके एन एस टू की, तो इसमें बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, तो खींच लेती है तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम, तो सबसे कम होगा सेकेंड वाले का, तो देखते हैं सेकेंड ऑप्शन किस में, सेकेंड ऑप्शन की बेसिक नेचर देने वाला नेचर सबसे कम, क्योंकि ये ले रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा, इससे ज़्यादा बेसिसिटी होगी इसकी, इससे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसका बेसिक नेचर भी सबसे ज़्यादा थर्ड वाले का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मोस्ट बेसिक, फिर वही कंडीशन है, इसमें एक बेंजीन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने वाली, इसमें दो बेंजीन ग्रुप है, साथ में एक NO2 ग्रुप भी है, एक माइनस आई ग्रुप भी जुड़ गया इसमें, इसमें तीन तीन बेंजीन ग्रुप हैं जो इसमें इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो डायरेक्टली अटैच देखना पड़ता है कि कितने ज़्यादा ग्रुप माइनस आई वाले खींचने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा खींचने वाले ये तीन तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इससे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, लीस्ट बेसिक। इससे ज़्यादा इन दोनों में दो दो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें एक NO2 भी जुड़ा है, तो इनकी इसकी बेसिसिटी और इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होगी क्योंकि दो बेंजीन जुड़े हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें केवल एक ग्रुप है खींचने वाला, तो औरों की तुलना में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और ज़्यादा तो वो डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो मोस्ट बेसिक कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर मैक्सिमम किस में होगी। इसमें दिख रहा है आपको NO2 जुड़ा है ग्रुप, दो कार्बन के बाद एक NO2, दो कार्बन के बाद SO3H, दो कार्बन के बाद फ्लोरीन, दो कार्बन के बाद NF3 पॉजिटिव। तो आपको पता है ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, खींचने के बाद ये पुअर बना देते हैं, और पुअर बना देंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये कह रहा है इनमें से कौन डोनेट कर पाएगा, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम वो आसानी से डोनेट करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो नफीसा सबसे ज़्यादा माइनस आई इसका, इससे कम नाराज नहीं नोटी, इससे कम माइनस आई इसका, नोटी साइना से इसका माइनस आई और कम, और सबसे कम माइनस आई इसका होता है, तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इनकी तुलना में हल्के से खींचेगा, और कम खींचेगा तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका डोनेशन पावर मैक्सिमम होगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन करे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें या कोई भी अदर क्वेश्चन, स्टेबिलिटी तो यही है, स्टेबिलिटी एसिडिटी के वैल्यू पी के पी एच वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें केवल एक ही इफेक्ट प्रभावी नहीं होता है कि वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ही ऐसा एसिडिटी या बेसिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट और भी रीज़न है जो हम पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इसके अलावा मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो ये इफेक्ट भी ये इफेक्ट के कारण भी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स की ये चेंज होती हैं, तो इस पर्टिकुलर इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ एग्जाम्पल वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें भी इसी तरीके से पार्ट अलग अलग बनाए जाएंगे, उसके बाद लास्ट में जब हम टेम्परेरी और परमानेंट इफेक्ट सारे पढ़ लेंगे तो इकट्ठे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें फिर सारे इफेक्ट हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मोटिवेट हैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।